वेलकम बैक। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी जी, घर पर से जो आपका किरदार इतना फेमस, बच्चों में सब घरों में ये जर्नी जो अब हम देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? लोग इतना पसंद करते हैं, सबसे स्पेशली ये है जो आपका कॉमेडी टच आप देते हैं दुनिया को और घरों में काफ़ी फेमस है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जब ऑडियंस आज भी उस चीज़ को सराहते हैं, पसंद करते हैं? मैं असल में सच बता रहा हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब ये सब बातें सोचता हूँ और जब इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ एक्चुअली। और मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं एक पॉपुलर स्टार बन गया हूँ जब मैं कानपुर गया था और कानपुर में कुछ एक स्कूल में वो इवेंट था और वहाँ पे तकरीबन 2-3 हज़ार लोग थे, और बल्कि और ज़्यादा ही रहे होंगे, मुझे लगता है 4-5 हज़ार की भीड़ थी और पूरा कानपुर जो है वो जाम हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के इवेंट्स भी हुआ करते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वहाँ पे शायद मेरी होर्डिंग वगैरह भी लगा रखी थी उन्होंने कानपुर में, तो पूरे कानपुर में ट्रैफिक जाम था। और वहाँ पे पहली बार मुझे एहसास हुआ, उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया वहाँ की ऑडियंस ने जैसे कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ या माइकल जैक्सन या शाहरुख खान हूँ, उस लेवल का। तो उसके बाद मैं घर आया और मैं एक हफ्ते तक रोता रहा। मैंने कहा, भगवान ये आपने क्या दे दिया, एक मामूली सा बच्चा, एक गरीब बच्चा जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उसको आपने क्या दे दिया। तो मैं आज भी ये सब सोचता हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, और ये बहुत ही गज़ब की जर्नी है, एक ऐसी जर्नी है जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, माँ का आशीर्वाद है और मेरे पता नहीं कुछ शायद अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, पता नहीं क्या है, नसीब है, लेकिन जो मुझे मिला है, जो ये जर्नी रही है, उसको एक्चुअली शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं लंदन गया था तो वहाँ पे मुझे पिकाडली सर्कस में घेर लिया था लोगों ने। आपको मैं बताऊँ कि जो प्रारब्ध होता है यानी जो भाग्य होता है, वो बहुत कमाल करता है जीवन में। आपको मैं बताऊँ, मैंने जीवन में कभी भी हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं की थी, मैं प्लेन से कभी चला नहीं था, और क्योंकि हम आर्थिक रूप से संपन्न थे नहीं, आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, खाने के पैसे नहीं रहते थे। तो मैं 7.5-8 साल की उम्र से किसानी से मैंने काम शुरू किया था, पिताजी के साथ धान उगाता था मैं खेत में, और 8-8, 10-10 किलोमीटर धान का गट्ठर सर पे लाद के ले जाता था, 8 साल का बच्चा था उस समय में। तो बहुत संघर्ष देखा, और पहली बार जब प्लेन में बैठा मैं, तो प्लेन से सीधा सिंगापुर गया, विदेश यात्रा की सीधा मैंने। अब आप बताइए क्या ये कैसा भाग्य है कि कभी भी डोमेस्टिक किया ही नहीं, सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी मैंने। तो ऊपर वाला जो है वो कमाल के खेल खेलता है, और जितना हो सके उतना आप ऊपर वाले का थैंक यू बोलते रहिए, वही है सब कुछ, मैं बस उन्हीं को थैंक यू बोलता हूँ और लगातार अपने कर्म करता जाता हूँ, मेहनत करता जाता हूँ। ये जो जर्नी मेरे साथ जो हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, तो मैं बोलूँगा मैं फिर से सानंद वर्मा ही बनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो मिला है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर पल कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे ले जा रही है, आगे ले जा रही है, आगे ले जा रही है। तो वो जो ईश्वर का साथ है, वो जो एहसास है, उसी एहसास के साथ मैं हमेशा जीना चाहूँगा, हर जन्म उसी एहसास के साथ मैं लेना चाहूँगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है, और वो शक्ति मुझे हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है, और इस एहसास से बड़ा एहसास कुछ हो नहीं सकता। सर, हमने सुना है हंसाना आसान काम नहीं होता है जो आप करते हैं, ये मतलब शुरू से ही आपको कॉमेडी
कॉमेडी करना था या इसकी शुरुआत कैसे हुई, अचानक आपकी कॉमेडी में रुचि कहाँ से आई? ये एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। मैं एक्चुअली सिंगिंग में ज़्यादा घुसा रहता था और एज एन एक्टर भी मैं हमेशा देव साहब की बहुत कॉपी करता था। हमेशा ऊपर तक का बटन लगा के घूमता रहता था और जो लड़के मुझे देखते थे बोलते कैसा पागल है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सबको पसीने आ रहे हैं और ये बंदा ऊपर तक का बटन लगा के घूम रहा है। उस समय देव साहब का वो स्टाइल बहुत फेमस था, ऊपर तक का बटन ये ऐसे चलते रहते थे वो, तो मैं वो करता था। तो कॉमेडी एक बहुत बड़ा आर्ट है, लोगों को हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और मेरा मानना है कि एक्टिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो कॉमेडी ही है। क्योंकि अगर आप कोई रोने का सीन करना है तो आपको ग्लिसरिन मिल जाएगा, आप ग्लिसरिन लगा के भी रो सकते हैं, आंसू जो है वो आ जाएंगे, वो असली आंसू ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन हंसाने के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका शीयर टैलेंट ही काम करेगा। आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो कैसी है, आपकी पिचिंग जो है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है और ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़िंदगी से सीखा, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में सबसे बड़ी कॉमेडी है। हम लोग इतना सीरियसली लेते हैं हर चीज़ को, लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं, पर लाइफ की जो टेम्परेरीनेस है उसको नहीं समझते हैं। हम लोग हमेशा इस चक्कर में रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बस ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अरे कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है बॉस, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे उस दिन हल्के फुल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। तो जब हम लाइट हार्टेड हो जाते हैं, ज़िंदगी को हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी ज़्यादा बड़ी नहीं समझते हैं और उसको लाइफ के उस पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं कि हाँ ठीक है इट्स ओके। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता है गुजर जाता है, वैसे ही बुरा वक्त भी नहीं रहता है और गुजर जाता है। तो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में सम पे रहना चाहिए, एक बैलेंस बना के रहना चाहिए। तो ज़िंदगी सबसे बड़ी कॉमेडी है अपने आप में, और मैंने क्योंकि ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, एक से एक घटनाएँ घटी हैं मेरे साथ। आप बोलें और मैं बोलूँगा हाँ ये मेरे साथ हुआ है, कुछ भी आप बोल लें। तो हर तरह की चीज़ें देखी हैं मैंने, हर तरह के विलन देखे हैं ज़िंदगी में, हर तरह के खलनायक देखे हैं, हर तरह के नायक भी देखे हैं। तो जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा हास्य रस है, और जिसने उस हास्य रस को समझ लिया, उस कॉमेडी को समझ लिया, वो अपने आप उसकी कॉमिक टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव होने लगती है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते ज़िंदगी से आज की डेट में भगवान की दया से कॉमिक टाइमिंग ठीक ठाक हो गई है मेरी। सर अभी आप विजय 69 में विलन का रोल कर रहे हैं, तो उसमें भी विलन के साथ कॉमेडी टच दिया है आपने, किस तरीके का रोल है कुछ बताइए उसके बारे में? हाँ, उसमें मैं एक पत्रकार बना हूँ और मैंने डेफिनेटली कॉमेडी टच दिया है। और कॉमेडी जो है वो बेसिकली सिचुएशनल है, हम ज़रूरी नहीं है कि कॉमेडी भी अलग अलग तरह की होती है। चार्ली चैपलिन की भी कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, केले के छिलके पे फिसलना, वो सब मुंह पे आटा गिरना, वो सब वो स्लैपस्टिक कॉमेडी है, और एक सिचुएशनल कॉमेडी होती है। तो विजय 69 में सिचुएशनल कॉमेडी है और साथ में एक घटिया, एक बिका हुआ, एक जलील पत्रकार जो है वो कैसा हो सकता है और क्या क्या कर सकता है, प्रोपेगेंडा वो उसमें दिखाया गया है। सर OTT प्लेटफॉर्म्स भी है, काफ़ी स्कोप आ गया, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसमें भी आपने काम किया है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपके आने वाले हैं या कुछ अलग किरदार कॉमेडी से हटके, क्योंकि कॉमेडी के वन लाइनर्स आपके इतने फेमस होते हैं, लोग इतना पसंद करते हैं, कि और कोई दूसरे किरदार में आप अपने आप को साझना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि OTT पे एक तो विजय 69 है, इसके अलावा सुपर वुमन है, तिग्मांशु धूलिया जी के साथ ये फिल्म मैंने की है। सुपर वुमन में मेरा अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और उसमें मैं बेसिकली एक मैच मेकर बना हूँ। और ये रोल मैंने पहले भी किया था राजकुमार राव की एक फ़िल्म में, हम दो हमारे दो, उसमें भी किया था मैंने, उसमें शादी राम मेरा नाम था कैरेक्टर का। तो सुपर वुमन में
बहुत ही अलग कैरेक्टर है और इसके अंदर बहुत ही सीरियस है और उसमें सिचुएशनल उसमें भी फन एलिमेंट्स हैं काफ़ी सारे, तो वो है। उसके अलावा एक चक्कर घिन्नी नाम की फिल्म मैंने की है जिसमें मैं एकदम हार्डकोर विलेन बना हूँ, गुप्त रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर हूँ उसमें। और उसी तरह मेरी माँ कर्मा जो 5 अप्रैल को रिलीज़ है उसमें भी मैं विलेन बना हूँ, बहुत ही ख़तरनाक बुरा आदमी, एकदम ख़तरनाक डॉक्टर है ये भी। तो हर तरह के रोल भगवान की दया से मैं कर रहा हूँ, पर मेरी खुद की कोशिश ये रहती है कि अगर कोई किरदार मैं कर रहा हूँ, कोई सीन मैं कर रहा हूँ, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हों जिससे कि पब्लिक को एक एंटरटेनमेंट वैल्यू मिले, है ना। तो अब आप उसको कॉमेडी कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे लगता है कि मैं बस एक एंटरटेनमेंट वैल्यू क्रिएट करता हूँ जब मैं स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रोल चाहे कितना भी सीरियस हो, सिचुएशन चाहे कितना भी सीरियस हो। अभी जैसे एक सीरियल आता था जिसका नाम था अदालत, रोनित रॉय साहब का, उसमें मेरा 5 दिन का एक कैरेक्टर था जिसमें कि मैं एक मजलूम मजदूर बना हूँ जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। अब उस पूरे में कहीं मैं रो ही रहा हूँ, पूरा कटघरे में खड़ा हूँ और उसमें मैंने रुलाया है, है ना। तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये लिबर्टी लेके मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि ऑडियंस को गुदगुदा दूँ, थोड़ा उनको मज़ा आए, तो मैं वो हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। वन लाइनर्स नॉर्मली मेरे ही होते हैं, क्योंकि मैं बचपन में ही जब मैं 12-13 साल का था मैंने हज़ार हज़ार पेज के 3 नॉवेल लिखे थे। मेरे पिताजी बहुत बड़े राइटर थे और मेरे अंदर एक राइटर का खून है, तो मैं बहुत मज़े ले ले के अपनी जो राइटिंग का टैलेंट है उसको अपनी एक्टिंग में यूज़ करता हूँ। तो जो स्क्रिप्ट रहती है उसको मैं इम्प्रोवाइज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा और उसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ जिससे कि ऑडियंस को इंगेज कर सकूँ और उनका मनोरंजन कर सकूँ। तो वन लाइनर्स में मोस्टली यानी मैंने आज तक जितना भी परफॉर्म किया है मुझे लगता है कि 50-50% पकड़ लो आप कि 50% लिखा रहता है और 50% मेरा एडेड रहता है उसमें, और मैं बिना ऐड किए मैं एक्टिंग कर ही नहीं सकता, मैं वो लिखित लाइन एग्जैक्टली। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लिखित लाइन कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी माइंड ब्लोइंग है, तो वो मैं जैसे हम दो हमारे दो में एक बार मैंने किया था, लिखित लाइन इतनी अच्छी थी कि मैंने उसको मेमोराइज़ किया और मेमोराइज़ करके उसको बोला। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि यू कैन डू एनी मॉडिफिकेशन, कभी कभी वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी रहती है कि एक वर्ड इधर से उधर आप करोगे तो उस स्क्रिप्ट की ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। पर ऐसा बहुत कम हुआ है मेरे साथ, ना के बराबर हुआ है, खाली हम दो हमारे दो मुझे याद है। मेरे पूरे करियर में मुझे लगता है 15-20 फिल्में तो मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं, बड़े बड़े वेब सीरीज़ आए हैं, पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट याद है, हम दो हमारे दो का एक सीन था जिसमें मैंने, मेरी ज़िद थी कि ये एग्जैक्टली जो लिखा है वही बोलूँगा, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन उसके अलावा नॉर्मली मैं बहुत अपने एडिशंस करता हूँ और उसको एंजॉय करके कैरेक्टर को फील करके सिचुएशन के हिसाब से अपना जो मेरा को एक्टर है उसके हिसाब से बनाता हूँ और उसके बाद करता हूँ। बहुत बढ़िया है इसका, मृत्युंजय सिंह साहब ने डायरेक्ट किया है इसको, युवा डायरेक्टर है वो, और माता कर्मा का बहुत प्रताप है छत्तीसगढ़ साइड में। और आपको याद होगा बरसों पहले एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। उस फिल्म के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने संतोषी माँ का व्रत रखना शुरू कर दिया था। तो माता कर्मा ये जो फिल्म है मेरी माँ कर्मा, इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि मृत्युंजय सिंह ने बहुत अच्छे से इसको डायरेक्ट किया है। इसमें एक जो माइथोलॉजी का जो एक टच है वो तो है ही, साथ में जो आज की डेट में उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्क्रीन प्ले में बांधा है कि आज की डेट में कैसे राक्षस हैं
और पहले जो माता कर्मा ने फेस किया था, उनकी जो लाइफ जर्नी है, माता कर्मा ने खिचड़ी का आविष्कार किया था। आप जो खिचड़ी खाते हैं वो खिचड़ी, उस खिचड़ी को इन्वेंट किया था माता कर्मा ने। तो बहुत महान देवी हैं वो, और मुझे लगता है कि मेरी माँ कर्मा जो है वो एक बहुत ही शानदार फिल्म है। छोटे बजट की फिल्म है तो लिमिटेड रिलीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई फाई हाईली मार्केटेड रिलीज़ नहीं है, लेकिन चमत्कार होगा इस फिल्म से, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं यही कहूँगा कि मेरे हर काम को देखिए, मुझसे प्यार करते रहिए, और मेरी माँ कर्मा की बात हुई है तो ये बता दूँ कि जो अच्छे कर्म हैं उसका मतलब है जब तक आप खुश हैं आपके अच्छे कर्मों का मीटर ऑन है, जब आप दुखी हैं आपके बुरे कर्मों का मीटर ऑन है। तो इसलिए अनकंडीशनल हैप्पीनेस को अक्वायर कीजिए, अनकंडीशनली खुश रहिए, खुश रहने की आदत बना लीजिए बिना किसी रीज़न के। ये मत सोचिए कि आपको ये मिलेगा तभी आप खुश होंगे, नहीं, वो मिलेगा उसके पीछे आप खुश होके लगे रहिए, ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर मिलेगा।